हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सा ये पोशाक, जो कि बनाया हमने अस्तर और नेट के फैब्रिक से। और ये ड्रेस मैंने बनाई है फ्रेंड्स 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए। देखिए मैंने इसमें मोतियों की माला यहाँ पे लटकाई हुई है। न्यू डिज़ाइन की हमारी ड्रेस है ये। देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा कान्हा जी का ड्रेस का लुक आ रहा है। देखिए मैंने इसमें पैचेस भी लगाए हैं। ये पैचेस हमारे हैंडमेड हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पैचेस बनाना बता दूंगी। और ये हमारी सिंपली देखिए गोल्डन की मोती है, और इससे मैंने माला बनाई है। और यहाँ पे मैंने चोली पे भी ये माला लगा दिया। अगर आप इसे पहनाते हैं ड्रेस को, तो आपको अलग से कान्हा जी को माला पहनाने की या ज्वेलरी पहनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज बनाती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की ड्रेस बनाने के लिए हम यहाँ पे ये मैंने कॉटन का अस्तर का कपड़ा लिया है। देखिए और इसको देखिए हम कितना लंबा ले रहे हैं। इसकी लंबाई है 32 इंच की, ये डबल फोल्ड है। और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी देखिए 4.25 इंच की। ऐसे मैंने यहाँ पे दो पट्टी ले ली है। देखिए ये हमने दो पट्टी कॉटन के कपड़े की ले ली है। 32-32 इंच के हमने दो पीसेस ले लिए ऐसे। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज नेट यूज करेंगे। ये देखिए हमारी मैचिंग की नेट है फ्रेंड्स, और नेट की लंबाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से नापना शुरू करेंगे, और इसकी लंबाई है कम से कम हमारी यहाँ पे 56 इंच का हमारा ये कपड़ा है। ये देखिए, और ये भी डबल फोल्ड है फ्रेंड्स। ये देखिए डबल फोल्ड है, और इसकी चौड़ाई भी हमने जितनी हमने कॉटन की ली है उतनी ही हमने नेट की भी ली है। नेट के भी मैंने यहाँ पे दो पीस लिए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमने नेट के भी इस तरीके से दो पीस ले लिए हैं। तो आज की ड्रेस हम इसी से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें ये जो अस्तर का कपड़ा है इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। इसको हम सीधी सीधी पहले यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसको हमें सीधा सीधा यहाँ से सिल देना है। तो चलिए सिल लेते हैं। सबसे पहले हमने देखिए स्लाइप को यहाँ से लॉक किया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये दोनों पीस हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं। एक बार आप इस पे नाखून लगा देंगे इस तरीके से। इतना करने के बाद देखिए हम इसे यहाँ से हल्का सा यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। सीधी सीधी हम सिलाई लगाते हुए पूरी पट्टी पे सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पूरे कपड़े पे सिलाई लगा ली इस तरीके से। अब हम इसके किनारे को भी लॉक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से इसको सीधे सीधे सिल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे किनारे पे भी फिनिशिंग दी है और साइड में भी। अब हम इस पे प्लीट्स डालेंगे। देखिए इस तरीके से हमें चौड़ी चौड़ी प्लीट्स डालनी है, एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से यहाँ पे प्लीट लगाएंगे। तो चलिए हम इस तरीके से जल्दी जल्दी से प्लीट लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे प्लीट्स लगा लिए। अब हम इसकी कमर का हिस्सा नाप लेते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे कमर का हिस्सा 6 इंच का आ गया। देखिए इतना हमारा बहुत अच्छे से कान्हा जी को आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमें हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है इस पे हम यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे। ये देखिए हम इस तरीके से यहाँ से प्लीट्स स्टार्ट करेंगे, एक के ऊपर डालते, एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए ही हमें यहाँ पे प्लीट्स डालनी है।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्लेट्स इस तरीके से हमें यहाँ पे डालनी है एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए। तो चलिए हम सब में प्लेट्स लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे दूसरा पीस भी इसी तरीके से यहाँ से जोड़ देंगे, यहीं से रख देंगे और यहीं से जोड़ देंगे। इसमें हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से फोल्ड करके इसको यहीं से एडजस्ट करते हुए लगा देना है। बहुत अच्छे से हमारी प्लीट्स आ जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे जोड़ लगा रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे जल्दी जल्दी से लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे प्लीट्स लगा ली हैं। अगर आपको लगता है कि लाइनिंग वाला कपड़ा या हमारा अस्तर वाला कपड़ा, नेट वाला कपड़ा ज़्यादा हो, हमें इतनी ही कमर लानी है इसकी जितनी कि हमारी इस कपड़े की है। तो हमारी ये 6 इंच की है, तो हमारी ये 6 इंच की ही आनी चाहिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। इसको हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि हमने नेट थोड़ा ज़्यादा कट कर लिया, तो आप थोड़ा सा उसे कट करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें यहाँ से इस तरीके से जोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। देखिए बिल्कुल बराबर बराबर करते हुए इसको हम यहाँ से सिल देंगे। तो चलिए सिल लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अस्तर और नेट हमने दोनों ही आपस में यहाँ पे जोड़ दिए। ये देखिए, और इसका हमारा लुक बहुत ही खूबसूरत आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से इसको पहनाएंगे अगर कान्हा जी को, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। काफी सुंदर हमारी ड्रेस बनेगी। देखिए ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बहुत ही खुल्ला खुल्ला सा आएगा बनके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इतना तो कर लिया है। इतना करने के बाद हम इसका नेफा बनाएंगे यहाँ पे। और जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा बचे हुए थोड़ा सा कपड़ा है या धागे हैं, इसको हम बराबर करके निकाल देंगे, कट करके निकाल देंगे। हम ये बिना बुकरम के बना रहे ड्रेस, इसलिए हमने इस तरीके से इसे बनाया है। ये देखिए बहुत ही हमारा खूबसूरत लगाएगा। और जो हमारा नीचे से अस्तर थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, हम इसको भी कट करके बिल्कुल बराबर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बिल्कुल बराबर हो गया। अब हम इसका नेफा बना लेते हैं। नेफा बनाने के लिए हम अस्तर का ही कपड़ा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अस्तर का कपड़ा ले लिया है और इसको हम इस तरीके से यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से नाप लेंगे हमें कितना चाहिए, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ही करके कटिंग करेंगे इसकी। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको इसकी चौड़ाई कितनी है। तो ये 3 इंच की है। आप यहाँ पे 2.5 इंच की पट्टी ले सकते हैं या 2 इंच की भी ले सकते हैं, लेकिन आप 2.5 इंच की लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको इसे फोल्ड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी से हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। एक बार नाखून से प्रेस करेंगे और यहां से देखिए हम इस तरीके से इसको यहां से सिलेंगे। हम कॉर्नर से जितना भी होता है यहाँ पे पक्का जरूर करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम पक्का नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ से ड्रेस खुल जाएगी, इसलिए आप पक्का जरूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा इतना हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, इधर को पलटेंगे और यहाँ से हम डोरी लगा लेंगे। डोरी आप जितनी लंबी, आप उतनी लंबी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ से ऐसे स्टिच कर देना है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डोरी लगा के नेफा बना लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा घेरा बनके तैयार हो गया, हम इसको डेकोरेट करेंगे। लेकिन हम पहले इसकी चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए देखिए, मैंने ये ऐसा अस्तर का कपड़ा ले लिया है, और इसकी लंबाई मैं आपको बता दूं, ये हमारी 13.25 इंच की है देखिए, और इसकी चौड़ाई देखेंगे हम, ये हमारी 3 इंच की हमारी चौड़ाई है। इतना ही चौड़ा और इतना ही लंबा मैंने नेट का फैब्रिक भी लिया है देखिए। अब हम इसको इस पे रखेंगे, और इस तरीके से रखने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम इसे चारों तरफ से एक बार सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारा ये हिले डुले ना। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब जो हमारा एक्स्ट्रा नेट का फैब्रिक बचा हुआ है, उसे मैं कट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कपड़ा फालतू जो एक्स्ट्रा था हमारा कट कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम इधर से इतना मोड़ेंगे और इधर से ऐसे मोड़ेंगे, और इतना करने के बाद देखिए हम यहाँ पे ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे चोली के लिए। देखिए पट्टी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। चोली की आपको चौड़ाई बताऊं तो मैं ये 1.25 इंच की, 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, मतलब कि 1.25 इंच की है हमारी। 1.25 इंच की हमें पट्टी तैयार करनी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पट्टी बनके तैयार हो गई यहाँ पे। इसके बाद देखिए, हम इस तरीके का गोटा ले लेंगे, और इस गोटे को देखिए एक बार हम ऐसे फोल्ड करेंगे, एक बार ऐसे फोल्ड करके आधे, 1/3 करना है हमें। इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसको सिलाई लगाएंगे। इतनी बड़ी पतली पतली हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है इस पर। इसको देखिए आप इस तरीके से एक बार नाखून से प्रेस कर लीजिए, बहुत ही आसानी से फिर आप इसे लगा सकते हैं। इसकी जगह आप किसी और कलर का रिबन भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पट्टी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसे 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसे कट कर लिया है, और इतना करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे इसको तिरछा रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे चोली बनके कंप्लीट हो गई है। इसका अभी हम बांधने के लिए डोरी और लगा देंगे, या आप इसे घेर के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पे इतना काम तो हो गया है, इतना हमने कर लिया है। इसको अब हम ये लॉक करेंगे अभी। ये देखिए, हम दोनों, ये जो हमारे अस्तर है और हमारा जो ये नेट का फैब्रिक है, इसको हमें यहाँ से, इसे हम यहाँ से लॉक करेंगे। ये देखिए, दोनों को हमें यहाँ पे पकड़ते हुए सिल देना। अगर आपको इस तरीके से ना लगाना तो आप ये सिंपली ये कपड़ा पकड़ के भी सिल सकते हैं। ये दोनों ऐसे ही पकड़ के यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और अगर आप गोटा लगाएंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए देखिए, हमने जैसे हमने चोली पर लगाया है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ये मोटा गोटा है फ्रेंड्स, तो मैं इसे ही लगा रही हूँ। पतला वाला मेरा ख़त्म हो गया गोटा, अभी मैं बाहर जा नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम इस तरीके से किनारी को इसकी फिनिशिंग देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ पे फिनिशिंग हो गई है। अब हमारा ये कपड़ा एक साथ ही रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। इसी तरीके से हम इस साइड भी कर देंगे। तो चलिए मैं इस साइड का भी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे किनारी अपनी फिनिशिंग दे दी है। अब हम ये जो चोली है हमारी,
इसको इसके सेंटर में रखेंगे। आप चाहे तो इन दोनों को आधा आधा नाप लीजिए, उसके बाद लगा दीजिए। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया और यहाँ से हम अपनी चोली को कनेक्ट कर देंगे। सिलाई लगाएंगे हम जहाँ से हमने नेफे की सिलाई लगा रखी है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे हमने इस तरीके से अपना ये चोली भी इसमें जोड़ दिए और देखिए हमारा कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए हम यहाँ पे मोती लगाएंगे अपनी ड्रेस में। ये मैंने 16 मोती लिए हैं और मोती पिरोने के बाद देखिए हमें यहाँ पे हमें कहीं कहीं इसको टक कर देना है, जैसे कि हमारी ड्रेस पहनने के बाद जैसे कान्हा जी पहनेंगे तो बहुत ही इसका सुंदर लुक आएगा। ये देखिए हमने यहाँ से ऐसे टक कर दिया है और यहाँ से हमें एक दो बार यहाँ पे नॉट लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नॉट लगा दी। नॉट लगाने के बाद हम अपना धागा कट कर देंगे और देखिए जब हम अपनी ड्रेस को कान्हा जी को पहनाएंगे तो ये इस तरीके से लटकेगी ड्रेस पे। ये जो मोती हमारे बहुत ही सुंदर इनका लुक आएगा। ऐसे हम यहाँ पे 1 2 3 4 जगह ऐसे मोती लगा देंगे, कहीं कहीं टक करने हैं हमें दूर दूरी पे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इतना कर लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से मोतियों की माला लटका दी है। अब हम इसमें एक लड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक भी लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे पर्ल्स ले लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर भी मोती लगा लिए हैं, डाल लिए हैं धागे में। तो इसको देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे तिरछा तिरछा टक करेंगे। आप चाहे तो इसको माला टाइप से भी टक कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसी भी आपकी आपको पसंद हो आप उस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहे तो देखिए इस तरीके से जैसे हमारी माला मकाना जी ने पहन के इस तरीके का लुक आ जाएगा, इस तरीके से भी टक कर सकते हैं और इधर तिरछा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं इसके बराबर से ही कर देते हैं ताकि हमारी ड्रेस में कान्हा जी की हमें माला पहनाने का सा लुक आ जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे सिंपली टक कर देना है और टक करने के बाद यहाँ पे कट कर देना अपने धागे को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आप चाहे तो इसको इस तरीके से देखिए डेकोरेट और भी कर सकते हैं। इस तरीके के आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर इसका लुक आ जाएगा। चलिए मैं इसे चिपका लेती हूँ। चिपकाने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे चिपका लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें चिपका लिया है और देखिए इसका ड्रेस का कितना अच्छा, भी थोड़ा सा गीला है फ्रेंड्स, ये अगर सूख जाएगा तो फिर ये निकलेगा नहीं। मैंने इसे फैब्रिक ग्लू से चिपकाया, आप चाहे तो इसे ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। अभी थोड़ा सा गीला है फ्रेंड्स, थोड़ा ये चिपक जाएगा तो बहुत ही इसका सुंदर देखिए लुक आ रहा है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसी तरीके का एक पैच यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रेस कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा, एक लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपसे फिर मिलती हूँ ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।